सुदगन खुर्द गांव के छोटे से किसान परिवार की बेटी विकास राणा ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतह कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। विकास राणा ने 5,642 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया है। विकास राणा ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, भारत की बेटियां हर ऊंचाई हासिल कर सकती हैं, जरूरत है बस उन्हें घर से बाहर निकलने की। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने माउंट एल्ब्रुस को सबमिट कर लिया है, उस पे फतेह कर लिया है, अपने देश की आन बान शान तिरंगा को लहरा दिया है। उसके साथ मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक किसी भारतीय ने नहीं बनाया था। माउंट एल्ब्रुस से स्की डाउन किया और एक नया रिकॉर्ड अपने देश के नाम किया, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा परिवार, मेरा गाँव हरियाणा और भारत, जिन्होंने हर कदम पे मुझे सपोर्ट किया है, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और इस उपलब्धि के लिए मुझे राजपूत समाज ने स्पॉन्सर किया था, तो उसके लिए उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक मैसेज देना चाहती हूँ बेटियों के नाम कि अगर बेटियों को थोड़ा सा भी सपोर्ट और थोड़ा सा भी सहारा मिले तो बेटियाँ क्या नहीं कर सकती। हर चोटी पे वो एक फतेह करेंगी और नया रिकॉर्ड बनाएंगी। किसी भी फील्ड में लगा लो, बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, लेकिन उनको थोड़े से सहारे की जरूरत है। तो आप लोगों से, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप बेटियों को सपोर्ट कीजिए और बेटियों की पावर देखिए कि बेटियां क्या नहीं कर सकती। उसके बाद, जैसे आपको पता है कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, एक गाँव से निकल के और माउंट एल्ब्रुस तक का सफर मेरा बहुत हार्ड रहा है। ये मतलब एक्सप्लेन करना मेरे लिए नॉर्मल नहीं है कि मैं इतने कम समय में आपको ये सब बता सकूं, लेकिन एक गांव से निकलकर और यहां तक पहुंचना और माउंट एल्ब्रुस को स्की डाउन करना, मेरे माँ बाप ने मुझे कश्मीर भेजा, वहां पे रखा और ट्रेनिंग दिलवाई, मतलब बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मेरे माता पिता ने, मेरे परिवार ने और गांव ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बेटी को सर का ताज बना के रखा है, हर जगह जहां मैंने बोला वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बेटी ने भी उनका मतलब उनकी इज्जत रखी है, उनको इस मतलब इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि हाँ हमारी बेटी कुछ कर सकती है। तो अगर ऐसे ही हर बेटी को सपोर्ट किया जाए तो बेटियां क्या नहीं कर सकती। मेरे पापा फार्मर है, मेरे पापा पढ़े लिखे भी नहीं है, और अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ, कितनी मेहनत की होगी, ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। यहाँ आने से पहले मेरा बजट का प्रॉब्लम था, लेकिन राजपूत समाज ने उसमें मेरी हेल्प की और मुझे यहाँ आने का मौका दिया, तो मेरी एक प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जो इनकी रशियन लैंग्वेज है वो सिर्फ रशियन ही यूज करते हैं, इंग्लिश भी यूज नहीं करते। लेकिन हम भारतीय होके हिंदी बोलने में शर्माते हैं, शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ पे इन लोगों को इंग्लिश का हेलो वर्ड नहीं आता, मैक्सिमम लोगों को। हम हर चीज में इंग्लिश को यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी एक धारणा बन गई है, जो इंग्लिश बोलता वो पढ़ा लिखा है, जो हिंदी बोलता उसको कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं है, हर देश इंग्लिश नहीं बोलता।